मौजूदा सरकार पटना को पेरिस बनाने का सपना दिखाती है, लेकिन सच्चाई क्या है वो हम आपको आज दिखाएंगे। इस वक्त हम मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स के ठीक बाहर हैं और ये तस्वीर रोड की है, देख सकते हैं। अमूमन साफ सुथरी ये जगह रहती है, लेकिन अभी के हालात क्या हैं, जगह जगह कचरा गिरा हुआ है। कारण क्या है वो कारण हम आपको बता देते हैं। कारण है कि जो भी सफाई कर्मी हैं नगर निगम के, वो पिछले 9 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। 15 सूत्री मांगे हैं उनकी, और जब तक उनका कहना है कि उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है, मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक वो काम नहीं करेंगे। यानी कुल मिला के कहे तो सफाई का जो काम है वो पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। सामने देखिए बोर्ड, सिटी ऑफ पटना का बोर्ड है। मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स के ठीक बाहर का ये नज़ारा है। पूरी सड़कों पे जगह जगह ये कचरा फेंका हुआ है। ये तस्वीर कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ें बयां कर रही हैं कि जिस तरीके से सफाई का काम पूरी तरीके से ठप पड़ा है, तो क्या सरकार जो दावे कर रही है कि राजधानी पटना को पेरिस बनाएंगे, तो क्या ऐसे ही पटना को पेरिस बनाया जाएगा? सड़कों पर जगह जगह कूड़े का अंबार पड़ा है। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिलीप सिंह हुआ। अच्छा, पटना को पेरिस बनाने की कोशिश है, लेकिन ये जगह जगह कचरा आप देख रहे हैं। हाँ, एकदम हर जगह कचरा है। सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। सफाई कर्मी हड़ताल पे हैं? हाँ, हड़ताल पे हैं। ये मान लीजिए काम नहीं हो रहा, कचरा कचरा फेंका हुआ है रोड पे, उनको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इससे आ रहे हैं तो दिक्कत भी हो रहा है? बहुत दिक्कत है। अब मान लीजिए कहीं पैर में लग जाता है, कहीं भी लग जाता है। आप आ रहे कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं एजी कॉलोनी से। अच्छा, तो और कहीं ऐसा देखने को मिला कचरा फैला? बहुत जगह मिला, बहुत जगह। हाँ, अधिकतर जगह कचरा। हाँ, अधिकतर जगह इसी तरह रोड पे फेंका हुआ है। तो देखिए लोगों को भी परेशानी हो रही है, और ये हालात सिर्फ एक इलाके का नहीं बता रहे हैं हम, पटना के अधिकतर इलाके हैं। डाक बंगला चौराहे की बात करें, या फिर कोतवाली थाने के आगे के इलाके की बात करें, और ये जो सबसे प्रसिद्ध मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स है, ठीक उसके बाहर की तस्वीर देखिए, किस तरीके से जगह जगह कूड़े का अंबार पड़ा है, कचरा फेंका हुआ है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तमाम सफाई कर्मी हड़ताल पे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है, तब तक वो काम नहीं करेंगे। सहयोगी विकास के साथ निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना।